हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक इमरजेंसी लाइट जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इसका ब्राइटनेस जो है बहुत ही ज़्यादा है। ये ट्यूब लाइट जो होती है उस टाइप का दिखने वाली है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चाहिए एक ट्यूब लाइट का इस टाइप का छोटा सा पार्ट जो मैं काट कर लिया हूँ। इसके साथ LED भी है गाइस। ये LED 220 वोल्ट में ग्लो करती थी, अब ये DC में काम करेगी 3.7 वोल्ट में। इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद लेंगे हम मोबाइल का बैटरी, छोटा सा। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बैटरी है गाइस। अब हमें कुछ पार्ट्स है जो इसके बॉक्स के अंदर है। ये बॉक्स के ऊपर मैंने एक दो होल करके रखा हुआ है, यहाँ पर 3 होल, स्विच के लिए, चार्जिंग पिन के लिए और एक वायर को बाहर निकालने के लिए। ये बैटरी को हम यहाँ पर फिट करेंगे इसकी एक साइड में, जो आसानी से यहाँ पर फिट हो जाएगी। अब हम बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग जो पिन होती है उसका चार्जिंग इंडिकेटर का भी यूज़ करेंगे और ये छोटा सा स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। ओके दोस्तों, अब हम चार्जिंग इंडिकेटर को यहाँ पर फिट करेंगे और फिर उसके द्वारा चिपका देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और स्विच को हम यहाँ पर फिट करेंगे और LED को मोड़ लेंगे और यहाँ पर हमने एक छोटा सा होल किया था इसके साइड कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा हो चुका है, देख सकते हो। चार्जिंग पिन को मैं यहाँ पर फिट कर दिया हूँ और LED को यहाँ पर फिट कर दूंगा, सॉरी कर दिया हूँ ऑलरेडी गाइस। अब हम एक बार इसको टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हो इंडिकेटर हमारा ग्लो कर दिए अच्छे से। अब हम दो वायर लेंगे, ब्लू और येलो। येलो है पॉजिटिव और ब्लू है नेगेटिव। तो हम नेगेटिव को पहले एक करेंगे क्योंकि हमारा सारा नेगेटिव एक ही होगा गाइस। अब हम पॉजिटिव को लिए एक छोटा सा वायर लेंगे और उसको मोड़ देंगे, इसके साथ जोड़ देंगे गाइस। ये हो चुका है। अब हम पेस्ट देंगे दोनों वायर में और सोल्डिंग करेंगे गाइस। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है तो लाइक कर देना गाइस। तो मैं येलो को पॉजिटिव के ऊपर सोल्डिंग करूंगा और जो ब्लू है वो नेगेटिव है, तो मैं बैटरी के नेगेटिव के ऊपर सोल्डिंग करूंगा। कनेक्शन बहुत ही ईजी है, आप लोग कर सकते हो आसानी से। अब हम बैटरी को यहाँ पर फिट करेंगे, डबल टेप लेंगे छोटा छोटा पार्ट और इसको यहाँ पर ऐसे रख के प्रेस कर देंगे। ये येलो वाला जो है ये जाएगा सीधा स्विच के मिडिल में जो हमारा पॉजिटिव है, और दूसरा येलो वायर को लेंगे और स्विच के दूसरी पिन पर सोल्डिंग कर देंगे। तो ये हमारा हो गया गाइस। अब हम इसको यहाँ पर रखेंगे और मैं पहले से ही मार्क करके रखा हूँ, वहाँ पर हम होल करेंगे चिमटी के द्वारा और वायर को लेंगे, वायर को इसके अंदर से डाल देंगे। तो मैं इसका ये काम फटाफट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, येलो वायर जो हमारा बाहर निकल गया, अब हम ब्लू वायर को भी निकाल लेंगे इस साइड। तो ये हमारा हो चुका है गाइस, वायर को इसके अंदर और डालेंगे। तो येलो है पॉजिटिव, तो हम LED के पॉजिटिव के ऊपर सोल्डिंग करेंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव हो चुका। अब हम नेगेटिव को इस साइड सोल्डिंग करेंगे नेगेटिव के ऊपर। तो दोस्तों, ये हो चुका है। तो गाइस देख सकते हो ये ग्लो कर रही है अच्छे से। अब हम वायर को इसके साइड में खींच लेंगे, अंदर के साइड में, और इसको यहाँ पर लपेट के यहाँ पर रख देंगे और इसको यहाँ पर फिट कर देंगे अच्छे से और फिर उसके द्वारा हम इसको चिपका देंगे। तो गाइस, ये हमारा हो चुका है। तो गाइस देख सकते हो बहुत अच्छे से ग्लो कर रही है। तो गाइस देख सकते हो कनेक्शन बहुत ही ईजी है। इंडिकेटर जो चार्जिंग पिन की वायर है वो गया बैटरी में, बैटरी से सीधा गया एक वायर ट्यूबलाइट में और एक गया सीधा स्विच से होके हमारे लाइट में। तो ये हमारा कनेक्शन है, बहुत ही आसान कनेक्शन है, आप लोग कर सकते हो। अब हम इसके ऊपर के ढक्कन को लगा देंगे और फिर के द्वारा चिपका देंगे। अब वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो बनने बहुत ही मेहनत लग दी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, ये हमारा हो चुका है, इसको हम साइड में करेंगे और फिर ढक्कन को लगा देंगे। तो गाइस, ये हमारा हो चुका है। अब हम इसको एक बार चार्ज करेंगे, इसमें चार्ज बहुत ही कम है। तो गाइस देख सकते हो चार्जिंग करने के बाद इंडिकेटर ग्लो कर रही है बहुत ही अच्छे से। तो हम इसको साइड में कर देंगे और गाइस देख सकते हो ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा है। ये चार्ज फिलहाल कम है, नहीं तो और भी ज़्यादा ब्राइटनेस दे सकती है। तो इसको हम साइड में करेंगे। अब हम इसकी जो ऊपर का डिफ्यूज़र है इसको लगा देंगे, डिफ्यूज़र कह सकते हो, डिफ्यूज़र कुछ भी है इसको लगा देंगे। तो गाइस, ये हमारा हो चुका है। अब हम इसको एक बार रूम में टेस्ट करेंगे। तो मैं रूम में लेकर आ चुका हूँ गाइस और इसका ब्राइटनेस देख सकते हो। मैंने इसको चार्ज किया हूँ, उसके बाद ही ग्लो कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस है। ये एक रूम के लिए बहुत ही काफ़ी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो कैसे लगे कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर।